बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मा गर्म रोटी। तो चलो चलो, बहुत गर्मी है। मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे कूड़े के पहाड़ है यहाँ। हरियाणा गुड़गांव की सोचे मजाक कर रही हूँ। भेलपुरी हो गया। पूरी नजर से बचने के लिए मुझे काला टीका लगा दी। मुझे किसी ने काला टीका, हमारी डिम्पी भी आएगी, निष्का भी आएगी, सारे आएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया एक्सप्रेस। सो कैसे आप सब? सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठ चुकी थी 7 बजे। यस, मैं 7 बजे उठ चुकी थी और आज मैं जा रही हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा बिट्टू के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ। सो एक दिन का ही ट्रिप है, तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा लगता है। लाइक लास्ट मैं गई थी कुरुक्षेत्र गाँव, बहुत 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 साल पहले गई थी, तो अभी वहाँ पर देखूँगी, जाऊँगी और एक्सप्लोर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। गाइस, मैं हूँ रास्ते में और अभी मैं जा रही हूँ बिट्टू के घर। तो वहाँ से फिर हम जाएंगे हरियाणा कुरुक्षेत्र। तो जो भी अभी ट्रैवल में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देती रहूँगी। और गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत, पर हाँ मज़ा भी उतना ही आ रहा है। गर्मी भी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है। मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ बिट्टू के घर एंड मेरी सिस्टर जो है अभी तैयारी कर रही है जाने की। आंटी पूजा कर रही हैं और आंटी ने बनाई है बहुत टेस्टी भिंडी आलू का परांठा और साथ में रोटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, खाने में है भिंडी। आंटी बहुत ही टेस्टी भिंडी बनाती है, लाइक टमाटर और प्याज दोनों डाल के, बचपन से मेरी फेवरेट है। एंड आलू और प्याज का परांठा गर्मा गर्म और गर्मा गर्म रोटी। कोई बात नहीं, तो ट्रैवलिंग में कर लियो काम। सो गाइस, ये है आंटी का छोटा सा गार्डन, क्यूट है ना। तो यहाँ पे आंटी ने थोड़े प्लांट्स वगैरह गमले लगा रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। और बेसिकली हम लोग जो हरियाणा कुरुक्षेत्र जा रहे हैं वो हम थोड़ा सा घूमने भी जा रहे हैं और वहाँ पे एक फंक्शन है वो अटेंड करने जा रहे हैं। हमारी एक और सिस्टर है डिम्पी, जिसकी डॉटर का बर्थडे है आज एंड उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो उसका इन्विटेशन भी आया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और हरियाणा जाएंगे, मज़े करेंगे। सो अभी सब लोग बिल्कुल पैकिंग कर रहे हैं और बस चलने के लिए रेडी हैं। और मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँगी रास्ते में, बड़ी तेज़ नींद आ रही है। और यहाँ मेरी सिस्टर ने अपना मेकअप निकाला हुआ है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यूज़ करती है, उसे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। लाइक अभी हार्डली 2 साल से उसने थोड़ा बहुत चीज़ें करनी स्टार्ट करी है, वरना पहले तो कुछ नहीं लगाती थी यूज़ करती। एक मैंने इसको ये सजेस्ट किया था, फिटमी का लूज़ पाउडर, जो कि बहुत बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही कहते हैं ना बारीक फाइन पाउडर है, काफ़ी अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। और पूरा अगर आपको स्वेट प्रूफ मेकअप करना है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है फेसेस कैनेडा का आई शेडो पैलेट, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो कैमरा लग चुका है, बड़ा क्यूट सा ना आई शेडो पैलेट मुझे इसका दिखा, फेसेस कैनेडा का फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। हालांकि ये ज़्यादा आई शेडोज लगाती नहीं है, मैं हैरान हूँ उसके मेकअप प्रोडक्ट्स देख के। सो एज यू कैन सी काफ़ी लाइट शेड्स और काफ़ी अच्छे से उसने यूज़ भी कर लिया है, वेरी नाइस। इवन मुझे नहीं आता आई शेडो ठीक से अप्लाई करना, सीखूँगी मैं इससे। और लाइनर लगाती है मैक्स टू मैक्स और लिपस्टिक्स लगाती है। और ये आ गई, ये आ गई, हेलो तो बोल दे, हाय गाइस। ये इसमें मम्मी का है, इसमें चूज नहीं कर पा रही इसलिए रख लिया सब कुछ, क्योंकि उसी टाइम डिसाइड होएगा ना। अच्छा अच्छा, मेरा मेन है ये लूज पाउडर, हाँ मेन ये है, और आई शेडो बिकॉज वही आता है आई शेडो। और ये ब्लश बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है? नहीं मुझे तो ये मतलब फेस पे अप्लाई होता है ना ये, हाँ बहुत अमेजिंग है। हर जी इसमें से कहाँ स्मेल आती है और ये बहुत लाइट फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। और ये फेसेस कैन और ये मेबलिन का फिटमी पाउडर भी अच्छा है ना। हाँ ये तो बहुत अच्छा है।
बहुत ही माइल्ड और बहुत फाइन पाउडर है, मुझे तो बहुत पसंद तूने है। ही तो सजेस्ट, हाँ मैंने बताया, मैंने सजेस्ट किया था। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, अभी बिट्टू भी कुछ खा ले बिकॉज उसने कुछ भी नहीं खाया है। मैं तो आते ही भिंडी आलू के पराठे और रोटी खाई थी, अभी बस ये खा ले और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। फाइनली ये रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आंटी भी रेडी हो चुकी है। आंटी मेरे पास मास्क है वो। चलो 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 चलो, ये बैग के हालत देखो। अभी हम पहुंचे हैं वजीरपुर पहुंचे हैं ना बिट्टू, वजीराबाद पहुंचे, सॉरी मैंने गलत बताया, वजीराबाद पहुंचे हैं। और अभी अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो हमें पहुंचने में लग जाएंगे 3 घंटे और, बिकॉज हम घर से थोड़ा सा लेट निकले थे। और यहाँ बिट्टू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, हमें हर व्लॉग में आती हूँ तो मैं तबीयत खराब करते हैं। हाँ यहाँ पे ना सीधा धूप आ रही है टेस्ट के ऊपर, तो आंटी कह रही है कि कुछ स्टॉल वगैरह लगा ले यहाँ पे ताकि ना तेरे को गाड़ी वाला कोई आएगा धूप, मतलब ना तेरे को धूप ना लगे बिकॉज गर्मी लग रही है, मतलब एसी चलाने के बाद भी गर्मी लग रही है, पता नहीं गर्मी बहुत गर्मी है। तो अभी टाइम लगेगा 3 घंटे और बहुत मजा आ रहा है, कार से ट्रैवल कर रहे हैं और नींद भी आ, पता नहीं मेरे को घर पे नींद आ रही थी, मुझे अब नींद नहीं आ रही है। तो एक्साइटेड हो गई, मुझे मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। लाइक सुबह मैं ऐसे थी, बस मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए मैं सो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर चेंज कर दिया, तो क्या था तब भी यही होता था, जहाँ जहाँ 2 शहर मिलते थे उसके बाउंड्रीज पर आउटस्कर्ट्स पर गरीब लोग रहते थे, जहाँ पे कूड़े के पहाड़ बनते थे, तो एक कूड़े के पहाड़ है यहाँ पे। ये शहरीकरण की निशानी है, हिस्टोरिकली चला आ रहा है एंड इट इज अ प्रूफ। यहाँ से गांव का रास्ता शुरू होता है। कहाँ से आंटी? यहाँ से, यहाँ से अब हम हरियाणा गुड़गांव की सोनी नहीं, अरे यार मैं भूल जाती हूँ, यहाँ से पड़ेगा सोनीपत, एक हरियाणा लेके जा रहे हैं सोनीपत और साथ में चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो आ गए। तो अभी पानीपत किसका यहाँ पे एडमिशन आंटी? अभी बताऊंगी, अभी तो नहीं आया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं खाना खा सकती हूँ। सब हम खाएंगे खाना और भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई है, तो आंटी घर से बना के लेके आई थी तो अभी हम वो खाने वाले हैं। और यहाँ पे बिट्टू जो है वो खाना निकालना स्टार्ट हो गया है इसका, गोलू का ही दिखे रहा है नीचे होगा। मैं मजाक कर रही हूँ, कितनी खुश हो रही है, गर्मी लग रही थी यार। नहीं गाइस, अभी यहाँ पे हाईवे पे हम लोग रुके हैं और मुझे एक भेलपुरी वाले भैया दिखे हैं, तो फिर मैं भेलपुरी लेने जा रही हूँ, बिट्टू भी आ रही है साथ में, तो उसके साथ मैं भेलपुरी लेने जाऊँगी। सो गाइस अभी मैं बाहर जाके ना भेलपुरी लेकर आई हूँ, और ये रही हमारी भेलपुरी, ये बिट्टू भी खा रही है यहाँ पे भेलपुरी। बिट्टू कैसी है? मिर्ची वाली है, स्पाइसी बनवाई है ना भेलपुरी, तो बहुत ज़्यादा अभी से इंजॉय करूँगी।
रास्ते में हमें बहुत ही टेस्टी गन्ने का जूस दिखा, तो हमने सोचा कि ना गन्ने का जूस पिया जाए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये अंकल बहुत ही टेस्टी गन्ने का जूस बना रहे थे। एंड मैं बाहर इसलिए नहीं निकली बिकॉज आंटी ने कहा कि रोड सेफ नहीं है बाहर निकलना, तो इसलिए मैंने अंदर से ही शूट किया। और यहाँ पे जो है हमारा जूस रेडी है, और ट्रस्ट मी ये जूस इतना टेस्टी था ना, लाइक प्रॉपर नींबू का इसमें टेस्ट आ रहा था। बट दिल्ली में ऐसा जूस मैंने नहीं पिया जिसमें प्रॉपर आपको नींबू और पुदीना का टेस्ट आए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड यहाँ पे बिट्टू ने भी इसे इंजॉय किया, सब ने इंजॉय किया और बहुत ही यमी लगा। फाइनली वी रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है ताई जी का घर जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे क्यूट से, कितना ओपनली सब कुछ है ना यहाँ पे। लाइक दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा क्राउड है बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन है सब कुछ। नमस्ते, हेलो किट्टू तो शर्मा है। ये है हमारी सीमा चाची। अच्छा। ताई जी हेलो बोल दो। हेलो बर्थडे पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, ताई जी तैयार हो चुकी है, और ये प्रिटी गर्ल छवि तैयार हो चुकी है, एंड चाची भी तैयार। मैं छवि को ऐसे कर रही हूँ, चाची को ऐसे कर रही हूँ। चाची भी तैयार हो चुकी है, छवि भी तैयार हो चुकी है, एंड छवि बहुत प्रिटी लग रही हो। थैंक यू प्रिटी। एंड यहाँ पे आंटी है, आंटी दिखाओ आप कैसे लग रहे हो जी। आंटी आंटी भी बहुत प्यारी लग रही है, और वहाँ बिट्टू सिलेक्ट कर रही है कौन सी। सो गाइस मिलते हैं पार्टी में, बाय गाइस। यहाँ बिट्टू बहुत 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 प्यारी लग रही है। हाय। और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ। ऑफ कोर्स। और छवि भी बहुत प्यारी लग रही है। ये छवि देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है छवि। मैं काला टीका लगा रही हूँ बुरी नज़र से बचने के लिए। मुझे काला टीका लगा रही, मुझे किसी ने काला टीका नहीं लगाया आज तक, अब मेरे को नज़र नहीं लगेगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच छवि, कोई बात नहीं। बाल दिखाते हुए मेरे पास बाल नहीं है दिखाने को। छवि तू बोल रहे पता सेम है, पतले। और यहाँ पर हो रही है रात, और अब सब जाने की तैयारी में है। ताई जी हाई कर रही है सबको, और चाची भी हाई कर रही है। यहाँ का एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुला है। लाइक दिल्ली में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होती है, बट यहाँ पे बहुत शांति मिल रही है। ये कैसे भूत लग रही है, ये गुमनाम कर रही है। सो हम लोग तैयार हो चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। ड्राइव कर रहा है पंकज हमारा प्यारा सा भाई, और यहाँ छवि भी है अपने बालों को दिखाते हुए। हमारे पास है सारी वीडियो में यही अभी नहीं सारी वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगी, सारी वीडियो में भी हमारी डिम्पी भी आएगी, मिश्का भी आएगी, सारे आएंगे, बर्थडे गर्ल आएगी। अभी मेरे वो शुरू हो रहा है। हाँ एक मिनट, अब अभी हम बाय करते हैं, बाय, मेरे को गाना चलाने तो बाय। वो इसलिए बोल रही हूँ कि कॉपीराइट आ जाएगा।
तेज नहीं, थोड़ी कम कर। अबे उधर करना, तू पागल है क्या? ऐसे शुरू करेंगे हम ब्लॉग, मैं बता रही हूँ। थ्री स्टार्ट।